हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू एकेडमी। आज की जो वीडियो है इसमें हम ओपन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की बात करने वाले हैं। तो इस समय जो प्रेजेंटली ओपन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं जिसमें कि एमए का एजुकेशन का ये पेपर है, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर का एमए सेकंड सेमेस्टर का एजुकेशन का पेपर है जिसका नाम है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार, ठीक है, साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। तो इस पेपर के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको पेपर दिखाने वाली हूँ। तो जो भी इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते गए। तो मैंने ओपन यूनिवर्सिटीज़ के जो भी पेपर मेरे पास अवेलेबल थे मैंने वो पेपर इसमें अपलोड किए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से आराम से चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये पेपर्स मैंने इसलिए बनाए हैं क्योंकि जो भी बच्चे ओपन यूनिवर्सिटी की तैयारी करते हैं तो उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है और उन लोगों को पेपर्स नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, या फिर उन लोगों को सिलेबस नहीं मिलता, उन्हें पैटर्न नहीं पता चलता, तो उन्हें पता नहीं चलता कि हमें किस तरह की तैयारी करनी है और किस तरह का एग्ज़ाम आएगा, ठीक है। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह से किन टॉपिक्स को तैयार करना है और किन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये पेपर कितने पेजेस का है। तो ये टोटल 5 पेजेस का पेपर होगा, ठीक है। इसकी जो टाइमिंग रही है 2 आवर्स की रही है, मतलब कि 2 घंटे आपको दिए गए हैं पेपर करने के लिए। साथ ही इसके जो मार्क्स रहेंगे वो आपके टोटल 80 मार्क्स रहेंगे, 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसी में देखिए नीचे आपको एक नोट दिया गया है, नोट में बताया गया है कि ये जो प्रश्न पत्र है ये 80 अंकों का है और 2 खंडों में विभाजित है, क और ख, ठीक है। प्रत्येक खंड में जो निर्देश दिया गया है उसी के अनुसार आपको जो प्रश्न है उन्हें हल करना है, ठीक है। फिर देखिए इसमें सेक्शन ए दिया गया है, यानी कि खंड आ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं, यानी कि दीर्घ उत्तरों वाले प्रश्न दिए गए हैं। उसमें आपको नोट दिया गया है कि जो सेक्शन ए है, ठीक है, इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और ईच क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो उन 5 क्वेश्चंस में से कोई भी 2 क्वेश्चन अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर्स भी आपको बताए गए हैं। नीचे देखिए कि 2 × 20 = 240, यानी कि 20 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो 14 मार्क्स के आपके ये 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 करने हैं, तो आपके पास एक्स्ट्रा 3 क्वेश्चंस की चॉइस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। साथ ही देखिए आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं, यानी कि आप हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी लैंग्वेज में अपने पेपर को दे सकते हैं, ठीक है। जिस भी लैंग्वेज में आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अपनी जो स्टडी है वो इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं, इंग्लिश में अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो आप हिंदी में अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किया वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। क्वेश्चंस थोड़े ब्लग हैं, मैं आपको थोड़ा पढ़ के बता देती हूँ, आप यहाँ से नोट कर लीजिए आराम से सुन के। व्हाट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी, राइट द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर अ टीचर, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में कहा गया है कि शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, शैक्षिक मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र को लिखिए, शैक्षिक मनोविज्ञान का एक शिक्षक के लिए क्या महत्व है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द मीनिंग द लर्निंग, डिस्क्राइब स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो अधिगम के अर्थ को स्पष्ट कीजिए और स्किनर की क्रिया प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत का वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। फिर आपका 4th क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब जिगोम एस ब्रबूर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, डिस्क्राइब जिगोम एस ब्रूनर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखिए, डिस्क्राइब थर्नडाइक थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर एंड इट्स
कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन। तो थ्राइनेक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा शिक्षा में उसके योगदान का वर्णन कीजिए। ये पेपर काफ़ी ज़्यादा ब्लर मिला है मुझे और ये क्लियर नहीं था, तो अगर यहाँ पे कहीं पढ़ने में कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप उसे ठीक कर लीजिएगा। मैंने हिंदी में भी इसीलिए पढ़ दिया है, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन आराम से नोट कर लीजिए, ठीक है, अपनी किसी भी नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने पर भी ये क्लियर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है देखिए आपका सेक्शन बी खंड बा। तो ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, यानी कि लघु उत्तरों वाले प्रश्न है। इसमें भी आपको एक नोट दिया गया है जिसमें कि आपको बताया गया है कि इस खंड में आपको 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में आपको मार्क्स भी दिए गए हैं, 4 × 10 = 40, ठीक है। तो यानी कि आपका जो पेपर रहेगा वो आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 40 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। 40 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस थे, 40 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गाइड द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस। तो मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं को लिखिए, साथ ही किशोर अवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस, किशोर अवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। थर्ड आता है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेगनेंस, तो प्रेगनेंस के सिद्धांत का वर्णन करना है, यहाँ पे आपको स्पष्ट करना है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गाइड द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ थ्योरी ऑफ इंसाइट लर्निंग, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थों को लिखिए। फिर नेक्स्ट है, राइट द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो जिन प्यासे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थों को लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाई टीचिंग ऑफ आर्ट्स इज इम्पॉर्टेंट, कलाओं का शिक्षण क्यों आवश्यक है। सेवेंथ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मैस्लोस हिरेची ऑफ नीड्स, मैस्लो का के आवश्यकता अनुक्रमितता सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका आता है, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, अधिगम की प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। इसी के साथ आपका यहाँ पे पेपर कंप्लीट होता है। ये 8 क्वेश्चन दिए गए थे, इनमें से आपको 4 क्वेश्चन करने थे, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, यानी कि आपको कुछ भी पढ़ने में नहीं आ रहा है या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।